इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम एक्सेल के नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में समझते हैं। इसके लिए हम व्यू टैब पर क्लिक करते हैं। व्यू टैब के अंदर आज हम वर्कबुक व्यू के बारे में समझते हैं। इसमें आप देखेंगे पहला जो ऑप्शन है वो नॉर्मल है, यानी जब भी हम एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल खोलने पर हमारे सामने जो सीट आती है वो नॉर्मल व्यू में होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको पेज लेआउट फॉर्मेट में करना है तो पेज लेआउट फॉर्मेट में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप यहां से भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर इंसर्ट में जाके आप हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं तो भी ये ऑटोमेटिक क्या होता है, पेज लेआउट फॉर्मेट में चली जाती है। यानी कि इंसर्ट पे जब हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं तो हमारे क्या होता है, सीट में ऊपर हेडर और नीचे साइड सीट का फुटर दिखाई देता है, जिसमें हम आसानी से कुछ भी लिख सकते हैं हेडर में और फुटर में कुछ भी लिख सकते हैं। तो हर पेज के टॉप एंड बॉटम में दिखाई देता है। हेडर पेज के ऊपर वाला पार्ट होता है और फुटर नीचे वाला पार्ट होता है। इसके साथ साथ इसमें मार्जिन भी दिखाई देता है इसमें दोनों तरफ, वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं ये नॉर्मल हो जाए लेकिन हेडर फुटर हट जाए तो आपको सिंपल नॉर्मल क्लिक करना होगा और पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तब भी आप देखिए उसी फॉर्मेट में सीट आई है। इसको नीचे देखेंगे तो फुटर होगा, इस तरह से आप देख सकते हैं ये फुटर आ गया है। अगर आप चाहते हैं इसको भी नॉर्मल करना है तो नॉर्मल ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें एक और ऑप्शन है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसका यूज क्या है, इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस तरह से हमारी सीट आ रही है, लेकिन हम इसको नॉर्मल करते हैं और अब हम क्या करते हैं इस पर कुछ छोटा सा एक रिकॉर्ड लिखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा रिकॉर्ड लिखा हुआ है। इसमें अगर मैं चाहता हूँ इसका पेज ब्रेक प्रीव्यू देखना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे इसमें इस तरह से पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कहीं से आप ब्रेक करना चाहते हैं स्पेशल पेज को तो आप कहीं पर भी क्लिक करें और पेज लेआउट में जाएं और ब्रेक में क्लिक करके इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यहां से यहां तक का उसने एक नया पेज बना दिया है। व्यू में जाएंगे और पेज ब्रेक व्यू करेंगे तो अब आप देखिएगा इस तरह से उसने क्या किया है, पेज को कंडीशन दिखाई है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। इस तरह से पेज ब्रेक प्रीव्यू का हम यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी आप देख सकते हैं पेज का किस तरह से उसमें फॉर्मेट दिखाया हुआ है, किस पेज पर कौन सा मैटर आएगा। और अगर आप चाहते हैं नॉर्मल हो जाए तो नॉर्मल पर क्लिक करें और आपको ये हटाना है इंसर्ट पेज ब्रेक तो आप पेज लेआउट में जाएं और ब्रेक में जाएं और रिमूव पेज ब्रेक पर क्लिक करें तो आप देखेंगे नॉर्मल हो गया है। अब अगर प्रीव्यू देखेंगे आप तो ये देखिए पूरा मैटर वन पेज पर आ रहा है, इसको नॉर्मल करते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और ऑप्शन है कस्टम प्रीव्यू। इसका यूज किस लिए करते हैं, इसके लिए मैं क्या करता हूँ किसी एरिया को सिलेक्ट करके इसमें कोई भी कलर अप्लाई कर देता हूँ जिससे भी आपको सामने एकदम क्लियर समझ में आए। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद व्यू में जाने के बाद कस्टम व्यू में क्लिक करके इसमें मैं लिखता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं क्लोज और एड। इसमें मैं क्या करता हूँ इस एरिया को एड करने के लिए एड पे क्लिक करूंगा और इसमें लिखता हूं मैं फर्स्ट व्यू और जस्ट मैं कहता हूं ओके कर देता हूं। इसका ही मतलब हुआ कि यहां पर कस्टम व्यू है, इसको हम देखते हैं किस तरह से ऐसा, यानी कि क्या होगा इसमें। ऐसा करने के बाद अब क्या होगा इसमें कि आप सीट के किसी भी कॉर्नर पे जाएं, कहीं पर भी पहुंच जाएं, उसके बाद आपको डायरेक्ट उसी सिलेक्ट किए हुए मैटर पर पहुंचना है एक बार में, तो आप कहीं पर भी क्लिक करें फिर कस्टम व्यू में जाएं। कस्टम व्यू में आप देखेंगे वो नेम दिख रहा है, हम जस्ट इस पर क्लिक करके शो करेंगे तो डायरेक्ट हम उसी एरिया पहुंच जाएंगे। ये देखिए ऐसे करके सीट के किसी भी एरिया में आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, किसी भी एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हमने थोड़ा सा कलर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे व्यू में जाता हूँ, कस्टम व्यू में जाता हूँ, उसको मैं दे देता हूँ एड करके सेकेंड व्यू। मैंने व्यू लिखा और मैं क्या करता हूँ ओके। अब मैं किसी सीट के अगर मैं इस एरिया को भूल भी जाता हूँ, कहीं पर भी पहुंच जाऊं और मुझे डायरेक्ट उसी एरिया पहुंचना हो तो कस्टम व्यू में जाके सेकंड व्यू पे क्लिक करके शो करूंगा तो वो देखिए आप एरिया सिलेक्ट हो चुका है। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज है फुल स्क्रीन। अगर आप चाहते हैं एक्सेल पूरी तरह से दिखाई दे पूरी स्क्रीन पर, हम क्या करते हैं फुल स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए इस कंडीशन में इसके रिबन गए हैं, इसके रिबन नहीं दिखाई दे रहे हैं, टैब के नेम नहीं दिखाई दे रहे हैं, पूरा फुल स्क्रीन है, केवल रो के नेम और कॉलम के नेम दिखाई दे रहे हैं। जो ऊपर से हैं वो कॉलम के नेम और ये रो के नेम दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसको वापस नॉर्मल मोड में लाना है यानी नॉर्मल करना है तो आप कहीं भी खाली सेल पर किसी भी सेल पर रहते हुए माउस से राइट क्लिक करें और आप देखेंगे इसमें राइट क्लिक करने पर लास्ट में ऑप्शन आ रहा है क्लोज फुल स्क्रीन, क्लिक करेंगे ये देखिए नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आप फुल स्क्रीन करते हैं और कीबोर्ड से एस्केप दबाते हैं तब भी आप क्या करेंगे नॉर्मल मोड में आ जाएगा ये सीट आपकी। इस तरह से हमने अभी इस वीडियो में आपको क्या बताया है वर्कबुक व्यू के बारे में बताया है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है
कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।